तो आ जाओ किसान भाइयों, आज आपको हम स्वराज 855 का 4x4 दिखाएंगे। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू करूंगा और फिर मैं आपको इसकी कीमत वगैरह बताऊंगा किसान से जिन्होंने ये लिया है और क्या इसके बारे में वो बताते हैं। एक हल्का सा ओवरव्यू करता हूँ, फिर मैं इसकी खेत में वीडियो बनाऊँगा आपके लिए दोबारा। तो एक बार आप देख सकते हैं टायर बहुत ही ज़बरदस्त है। लुक तो ये अपना वही है स्वराज 855 वाला ही। फ्रंट टायर इसके कितने के हैं जी? मिट्टी लग रही इसमें। साइज 9524। 9524 के हैं भाई फ्रंट टायर इसमें। 9524 के हैं और ये 2020 मॉडल है जी। ये 2021 मॉडल है भाई। 20 है मार का, 20 का है, पासिंग 21 की है और पावर स्टेयरिंग ये सब कुछ ये तो 4x4 में लाजमी है और ये 5 स्टार में है। 4x4 आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के साथ में है ये ट्रैक्टर। एकदम तगड़ा प्लेटफॉर्म के साथ में दिया गया ट्रैक्टर है। पिछले टायर 16 के होंगे, 16 नौ 28 के हैं भाई। पिछले टायर भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है एकदम। और इस पर इन्होंने MB प्लाऊ लगा रखा है पीछे, आप देख सकते हैं। मैं खेत में चलते हुए की वीडियो आपको दोबारा बना के दिखाऊंगा। ये ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। एक बार हल्का सा खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ मैं इस वीडियो में, दोबारा फुल ओवरव्यू के साथ अगर आप कहेंगे तो इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं। फिलहाल इनसे थोड़ा रेट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, पहले आप इसे देख लो थोड़ा सा। ये कितनी ज़बरदस्त ट्रैक्टर है। रिवर्स पीटियो सब कुछ है इस ट्रैक्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स पीटियो सब कुछ, इनसे बात करते हैं एक बार हम कितने में लिया है और क्या इसका मामला है। एक बार दोबारा मैं आपके लिए फुल ओवरव्यू के साथ में इसकी वीडियो दोबारा बनाऊंगा एक बार। फिलहाल मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इनसे, आ जाओ। तो भाई ये अपना परिचय दो एक बार। इनका नाम सुधीर है भाई और गांव डंगेड़ा है, देवबंद तहसील में और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पड़ता है इनका। तो ये ट्रैक्टर आपने कौन सी एजेंसी से निकलवाया जी? कहाँ से है, कौन सी एजेंसी से? सहारनपुर एजेंसी से। तो भाई इन्होंने सहारनपुर एजेंसी से निकलवाया है। आपने तो काफ़ी साल हो गए किराया, मतलब कितने दिन हो गए किराया करते हुए आपको लगातार? 15 साल से आप लगातार किराया कर रहे हैं। तो हर डब्बा सब तरीके के ट्रैक्टर आपने चला लिए हैं लगभग लगभग। तो इससे पहले मैंने देखा था आपके पास 855 था, सादा 4 स्टार 4x4 नहीं था, वो 2 व्हील था। हाँ तो वो दे के आपने जो लिया है तो पड़ा कितने का है ये आपको पहले तो कीमत बताओ इसकी? 8.5 लाख रुपए में पड़ा है ये ट्रैक्टर। और वो आपने साथ में दिया था या मतलब इसकी कीमत ही 8.5 है कैश में? 4 लाख का पुराना लगा था और मतलब इसकी कीमत 8.5 लगी थी, 4.5 आपको देने पड़े और उसमें मिला। तो अभी भी आपने कितना चला दिया होगा लगभग? अच्छा, अभी 1000 घंटे ही चला है ट्रैक्टर। तो क्या फर्क लगा 4x4 में और 2 व्हील में? खिंचाई ज्यादा है जंदरे पे, MB पलाऊ में सब जगह चाल ज्यादा रह जा, खिंचाई ज्यादा है, स्लिप कम है। तो स्लिप कम की वजह से तेल कम लगा है जी, टाइम कम लगा, टाइम भी कम लगा है और तेल भी कम लगा है जी। मतलब एवरेज इसका जो औसत है किराए पे बढ़िया हुआ है। हाँ, बढ़िया रहता है किसी भी इम्प्लीमेंट पे जी। हाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ स्लिप मार रहे आप, टाइम वेस्ट हो रहा है, तेल भी फूक रहा है। तो चलो दोबारा खेत में बनाएंगे किसी दिन फिर वीडियो। आप अभी चलो जी, धन्यवाद जी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो वही ना जाना है अभी तो बाद में। तो ये देखो भाई 4x4 पावरफुल ट्रैक्टर है एकदम ज़बरदस्त। कुछ बात किसान ने बताई, 15 साल से सबसे तगड़ा किराए का काम है इसका यहाँ पे हमारे क्षेत्र में। तो धन्यवाद।